नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुखसार खान और आप देख रहे हैं टीवी इंडिया 18। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। नवरात्रि को लेकर शहर में जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी क्रम में शहर के एक होटल में गरबा नृत्य का आयोजन हुआ, जिसमें युवक युवतियों और महिलाओं समेत छोटे छोटे बच्चों ने देवी भजनों में डांडिया नृत्य किया। बता दें कि शहर के मुख्य बाजार स्थित एक होटल में गरबा नृत्य का आयोजन हुआ, जिसमें लगभग 50 लोगों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने डांडिया नृत्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और देवी भजनों में डांडिया नृत्य कर सबका मन मोह लिया। खासकर छोटे बच्चों ने डांडिया नृत्य कर सबका मन मोह लिया। वहीं लोगों ने एक दूसरे से मिलकर प्रेम और सद्भाव को बनाए रखने की अपील की। आयोजनकर्ताओं ने बताया कि इस समय शारदीय नवरात्रि चल रही, जिसमें छोटे छोटे बच्चों को डांडिया नृत्य सीखने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हमने कोरोना को ध्यान में रखते हुए इसका आयोजन किया है, जिसमें ज़्यादा लोगों की भीड़ भी इकट्ठा नहीं की। इस समय बच्चों के स्कूल भी बंद हैं, जिसमें बच्चे बाहर निकलकर एंजॉय भी नहीं कर सकते। इसलिए हमारा इस तरह के आयोजन को करने का भी उद्देश्य था कि बच्चे किसी बहाने अपने घर से बाहर निकलकर यहां आकर थोड़ी मस्ती भी कर लें। ब्यूरो चीफ गुल मोहम्मद की खास रिपोर्ट। जी भैया, ये जैसे कि हम सब जानते हैं कि शारदीय नवरात्र चल रही है, तो ये एक छोटा सा नवरात्र का प्रोग्राम था और हम सभी जानते हैं कि ये कोरोना काल भी चल रहा है, इसको भी हम लोग ने बहुत ध्यान में रखा है। इसलिए हम लोग ने सिर्फ 25 बच्चों को यहाँ पर सिखाने के लिए बुलाया हुआ था। सिर्फ 25 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और 10-15 लोग गेस्ट थे। इसके अलावा कोई भी गैदरिंग नहीं की, जिससे कि कोरोना में किसी को कोई नुकसान ना हो और एक छोटा सा एंजॉयमेंट हो जाए। और ये ज़रूरत भी थी, क्योंकि स्कूल में बच्चों की स्कूल सब बंद है, कहीं बच्चे एंजॉय नहीं कर पा रहे, घर में रह के बोर हो रहे, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक उनको एक मंच दिया गया है छोटा सा, कि उसमें वो भी एंजॉय कर सके।